दोस्तों, प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरी किचन में। आज हमारी क्लास का 20 डे है, तो आज हम बनाएंगे बहुत ही झटपट बनने वाला नाश्ता। उसके लिए मैंने सारा सामान तैयार कर लिया है और आज हम बनाएंगे चेवड़ा। कई लोग उसे पोहा भी बोलते हैं और वो सर्दी गर्मी किसी भी मौसम में बना सकते हैं और किसी टाइम भी बना सकते हैं। जब आपको भूख लगे तब आप इसे बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने तैयारी करके रखी हुई है। ये देखिए, मैंने 250 ग्राम पोहा लिया है इसमें और ये मैंने इस जालीदार बर्तन में ले लिया है। ठीक है, आपने ऐसे ही लेना है और इसे एक बार ऐसे हल्का सा छान लेना है। ठीक है, जो थोड़ा बहुत इसमें होगा एक्स्ट्रा सा वो निकल आएगा और एक बार इसे अच्छे से देख लेंगे। कोई भी जो चेवड़ा है वो थोड़ा सा काला हो तो आप उसे हटा देना। ठीक है, और इसे आप नल के नीचे भी डालकर वॉश कर सकते हैं जाली में ही। और अगर आप ऐसे नल के नीचे नहीं करना चाहते तो किसी बर्तन में पानी ले लीजिएगा और पानी में डाल के एक बार जालीदार बर्तन में निकाल लेना है, ताकि इसका पानी जो एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाएगा। तो मैं आपको धोने के बाद दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने धो लिया है पोहे को। और ये देखिए, मैंने जाली वाले बर्तन में रखा हुआ है ना, इसे जो इसका एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे जब तक हम मतलब फ्राई करते हैं सब्जी वगैरह, तब से ये पानी नहीं छूट जाएगा। ठीक है, इसे मैंने देखिए इसके नीचे ऐसे लगा दिया, ये पानी निकल जाएगा। ये देखिए, मैंने दो प्याज लिए हैं, लंबे काटे हुए हैं उसे, और एक टमाटर लिया है, इसे भी मैंने काट लिया है। और ये हरी मिर्च है, छोटे टुकड़ों में कटी हुई है और ये लंबे टुकड़ों में कटी हुई है। ठीक है, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। और थोड़ी सी मैंने इसमें मूंगफली यूज़ करूँगी कच्ची, इसकी क्वांटिटी मैंने इतनी ही रखी है। आप ज़्यादा डालना चाहें तो डाल सकते हैं, और इसमें आप वेजिटेबल्स भी सारी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। लेकिन मैं वेजिटेबल नहीं डालूंगी ज़्यादा, क्योंकि वेजिटेबल डालने से उसका जो पोहे का जो टेस्ट है वो नहीं आता, वेजिटेबल का टेस्ट ही ज़्यादा आता है। इसमें उबला हुआ आलू भी डाल सकते हैं आप, अगर आपके पास उबला हुआ है। कच्चे भी डाल सकते हैं लेकिन उसको पकने में टाइम लगेगा। तो मैं ये आलू भी नहीं डालूंगी, मैं सिंपल बनाऊंगी और वही बहुत ही टेस्टी बनेगा और झटपट भी बन जाएगा। ये देखिए, मैंने 6 से 7 चम्मच ऑयल ले लिया है, रिफाइंड ऑयल। तो इसमें अब हम गर्म हो गया अच्छे से, अब इसको हम मूंगफली को फ्राई करके और अच्छे से निकाल लेंगे। मूंगफलियाँ मैंने निकाल ली हैं, अब मैं इसमें डालूंगी राई, जीरा नहीं डालना है। और इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग और ये पोहे का फेवरेट करी पत्ता। करी पत्ता सूखा हुआ डाल सकते हैं और ताज़ा भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब हम डालेंगे प्याज। ये देखिए, प्याज को हमने ज़्यादा मतलब हिला भी नहीं करना है, उसका कलर ज़्यादा चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा ही करके। और फिर हमने डालना है इसमें टमाटर। ये बहुत ही जल्दी बनने वाला नाश्ता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। इसके लिए आपको ज़्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही सोचेंगे वैसे ही बनाना शुरू कर देंगे। अब इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च। ठीक है, देखिए अब इसमें हमने ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं और हमारी सब्जियाँ थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसमें हमने सिर्फ नमक, मिर्च और हल्दी, इन तीन चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं डालना है। ठीक है, ये डालेंगे हम इसमें नमक, एक चम्मच इसमें नमक डाला है, आधी चम्मच हल्दी और आधी चम्मच ही मिर्च। ठीक है, मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर लीजिएगा। मिर्च अगर ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ी मिर्च ज़्यादा डाल सकते हैं। ये देखिए, हमारा मसाला अच्छा सा तैयार हो गया है। हमने इसमें कुछ ज़्यादा वेजिटेबल्स भी नहीं डाली हैं, बस प्याज टमाटर डाले हैं और इससे ही बहुत अच्छा बनेगा। हम इसमें डालते हैं पोहा। मैं इसमें पोहा डाल रही हूँ। ये देखिए, सारा पानी निचोड़ चुका है पोहे का। देखिए, मैंने पोहा डाल दिया है। पोहा डालते टाइम आप गैस का फ्लेम सेम ही रखेंगे। ठीक है, अब इसको हम मिक्स करेंगे नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, सारा जो मसाला है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, चेंज हो जाएगा वाइट से
येलो कलर आ जाएगा पूरा अगर मिक्स हो जाएगा जब। ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें जो मैंने रोस्ट करके रखी थी ये मूलियाँ ये डाल दूँगी, और इसमें हम डालेंगे अब धनिया, हरा धनिया डाल दिया है। ठीक है, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सिम है गैस, गैस को फुल नहीं करना है नहीं तो ये चिपक जाएगा। ये देखिए मैं इसमें एक नींबू डाल रही हूँ, एक नींबू इसमें काफ़ी होगा। अगर आप और खट्टापन चाहते हैं तो आधा और डाल सकते हैं। ये देखिए हमारा पोहा तैयार हो गया है, लेकिन मैं इसमें थोड़े से पनीर के टुकड़े डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, अगर आपको नहीं है तो कोई बात नहीं। ओके, हमारा पोहा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है। अगर आप इसे 2 मिनट के ढक के रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल ही तैयार। ये देखिए अब आप खा के बताइएगा कि कैसे बना है। ये देखिए हमारा पोहा तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।